बहुत अच्छी न्यूज है ऐसे लोगों के लिए जो सिर्फ इंडिया में रहते हैं। मतलब एक ऐसी वीजा स्कीम जो सिर्फ इंडियंस लोगों के लिए है, और उस स्कीम का नाम आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम। अब ऐसे वो तमाम इंडियंस जो कि यंग हैं और उनकी एज 18 साल से लेके 30 साल के दरमियान में है, और कम से कम उनके पास बैचलर डिग्री या उसके ऊपर लेवल 7 और लेवल 8 की क्वालिफिकेशन मौजूद है, वो इस स्कीम के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको ना तो किसी जॉब ऑफर की जरूरत है, ना आइल्स की जरूरत है, और ना ही कोई इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। सिर्फ इंडियन होना जरूरी है, आपका पास बैचलर की डिग्री होना जरूरी है, और दैट्स इट। अब इसका तरीकेकार क्या है, ये एक किस्म की लोग इसे लॉटरी बोल रहे हैं। आप खुद भी इस पे अप्लाई करें, अपनी वाइफ को भी बोलें, अपने भाई को भी बोलें, अपने फ्रेंड्स को भी बोलें। जिसके किस्मत में होगा, नसीब में होगा, उसका लकी ड्रॉ के जरिए, एक बैलेटिंग के जरिए उसका नाम सामने आ जाएगा, और आपको ये एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि इस वीजा के थ्रू आप यूके में 2 साल के लिए आ सकते हैं। अब ये बैलेट सिस्टम क्या है, आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, मैं कोशिश करूंगा कि ये जो लिंक है ये मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में आपको दूं, आप वहां पे जाके सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पढ़ सकते हैं। मोटी मोटी जो रिक्वायरमेंट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बैलेटिंग में आपने अपनी एंट्री कैसे करनी है। अब एंट्री करने के लिए तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता, ना ही आपको किसी वकील की जरूरत है। और मैं प्लीज आप लोगों के साथ ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस काम के लिए किसी वकील, किसी कंसल्टेंट, किसी एजेंट के पास ना जाना। अब देखें इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि कम से कम आप बैचलर हैं। अब बैचलर बंदा कम से कम जाके ये मोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स तो पढ़ सकता है। इसके लिए आपको मेरी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने इस लिंक पे जाना है। आपने बैलेटिंग स्कीम जिस वक्त ओपन होगी, मैं आपको अभी टाइम भी बताता हूँ, डेट भी बताता हूँ कि कब ये बैलेटिंग स्कीम ओपन होगी, वहां पे जाके आपने 3 4 5 चीजें दे के एंट्री करनी है। अब लाखों लोग एंट्री करेंगे, उसमें से सिर्फ 2400 लोगों को चूज किया जाएगा। रैंडमली उस बैलेटिंग के जरिए आपको चूज किया जाएगा, और अगर आपका उसमें नाम आ जाता है तब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी या किसी कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी जो आपकी एप्लीकेशन में आपको हेल्प कर सके। ये बैलेटिंग जो है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 2:30 पे, 2:30 बजे दोपहर के टाइम पे 28 फरवरी को ओपन हो रही है, और चंद दिनों के लिए ये बैलेटिंग होगी। 2 मार्च इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 2:30 बजे 2:30 पे ये क्लोज हो जाएगी। अब देखा जाए तो 28 के बाद 1 मार्च 2 मार्च आपके पास मैक्सिमम 2 दिन का टाइम है। 2:30 पे 28 मार्च को ये बैलेटिंग ओपन होगी। आपका काम है उससे पहले पहले आप सिस्टम पे बैठ जाएं, आपके पास अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पासपोर्ट की कॉपी स्कैन हुई भी ऑलरेडी आपके सिस्टम पे मौजूद होनी चाहिए ताकि बैलेटिंग पे जाए और अपनी एंट्री कर दें। मैं अपने उन तमाम दोस्तों को, तमाम कलीग्स को, स्पेशली मैं कलीग्स का नाम इसलिए ले रहा हूं, मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं जो इंडिया से हैं, वो इसमें जरूर एंट्री करें। मैं बिल्कुल ऐसा मना नहीं हूं कि मैं ये कहूं कि जी मेरे वो कलीग मेरे साथ काम करते हैं दुबई ऑफिस में या इंडिया से, अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जरूर इसमें आप अप्लाई करें, आप अपने बेटर फ्यूचर के लिए जरूर अप्लाई करें। तो मेरे कलीग्स लाजमी इसमें अप्लाई करें, मेरे दोस्त अप्लाई करें, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आगे दोस्तों को ये एक सदका समझते हुए, एक सदका जारिया के तौर पे ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, उनको फोन करके बोले कि इसमें अप्लाई जरूर करो। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपने सिस्टम पे जाना है, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करनी है, सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई है कि बैलेटिंग ओपन कब हो रही है, आपने उसमें क्या क्या डिटेल्स देनी है। देखिए ये लिखा हुआ है कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट की डिटेल, स्कैन कॉपी पासपोर्ट की, आपकी ईमेल एड्रेस और फोन नंबर आपका चाहिए, और आप बैलेटिंग में अपने आप को एंटर कर सकते हैं। विद इन 2 वीक्स आपको रिस्पॉन्स आएगा, रैंडमली आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अब अगर आप इस वीडियो के बाद भी और इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के बाद भी मुझे फोन करके पूछते हैं कि हम कैसे करें, तो मैं माजरा चाहूंगा कि ऐसे किसी भी कॉल को मैं एंटरटेन नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सिंपल है। वेबसाइट पे डिटेल्स मौजूद हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, मैं भी वहां से पढ़ के आप लोगों को बता रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आपकी हेल्प कर सकूं। आपने इसमें अप्लाई करना है, टाइम आपको मैंने बता दिया है। सबसे बड़ी बात है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको आइल्स नहीं चाहिए।
अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आपको जॉब ऑफर लेटर नहीं चाहिए, तो इससे ज्यादा आसान वीजा इस वक्त यूके के लिए कोई और वीजा नहीं है कि जिसमें ना आपको आइल्स चाहिए ना आपको जॉब लेटर चाहिए। हाँ, इसमें जहां पे देखें एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको इंडियन होना जरूरी है, यंग इंडियन होना जरूरी है, आपके पास बैचलर डिग्री हो, आपकी एज 18 से 30 इयर्स के दरमियान में हो, और आपके पास 2530 मतलब 2530 पाउंड की सेविंग्स हो 28 दिन के लिए। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर वो सेविंग्स नहीं है। आप एक तरफ बैलेट में एंट्री करें, दूसरी तरफ अभी से पैसे कहीं से अरेंज करके वो सेविंग्स अपने बैंक अकाउंट में डाल दें 28 दिन के लिए, क्योंकि विद इन एक तरफ आप बैलेट में एंट्री कर रहे होंगे, दूसरी तरफ दो हफ्ते में आपका इसका रैंडमली आपको सिलेक्ट करके आपको ईमेल आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, और साथ ही आपका 28 डेज का पीरियड का जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो वो सेविंग्स आपको चाहिए। बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये इतनी आसान है कि हर वो बंदा जिसकी बैचलर डिग्री है वो इस रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकता है। तो एंट्री जरूर करें, कोई पता नहीं है कि आप इसमें सेलेक्ट हो जाएं, और ये रैंडमली सेलेक्ट होंगे, और बार बार एंट्री बिल्कुल नहीं करनी। ये मैं आपको एक बहुत बड़ी टिप दे रहा हूं, एक ही दफा एंट्री करनी है। बार बार अगर आप एंट्री करते हैं तो क्या पता आपको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाए। तो एक एंट्री करें, अच्छे तरीके से करें, और इंतजार करें क्या पता अगला नंबर आपका हो। तो मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें जरूर अप्लाई करें, और इसके लिए किसी वकील को कॉन्टेक्ट नहीं करना, किसी को पैसे नहीं देना। इतनी आसान एप्लीकेशन है कि शुरू होते ही खत्म हो जाएगी। तो आप इसको अप्लाई करें। हाँ, जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाएं तो जरूर मुझे रब्ता कीजिएगा। इसके साथ साथ मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूंगा कि हमारी एक टेलीफोनिक सर्विसेज भी मौजूद हैं अपॉइंटमेंट के लिए। अगर आप अपना कोई इमिग्रेशन का मैटर जो कि कॉम्प्लेक्स है, पहले से कुछ रिफ्यूजल मौजूद हैं और हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो मुझसे अपॉइंटमेंट बना के आप अपना वो इमिग्रेशन का मैटर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।